नमस्कार। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के वक्त इस वैश्विक महामारी से लड़ने का एक हथियार फेस मास्क भी है, किंतु लॉकडाउन के कारण बाजार में पर्याप्त मात्रा से फेस मास्क न होने के कारण फेस मास्क की कीमत में भीषण वृद्धि हुई है। जिसे देखते हुए कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस ने निःशुल्क रूप से लोगों तक मास्क बनाकर पहुँचाने का बेरा उठाया है। आज जीरो माइल में मुजफ्फरपुर कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के चीफ बीएम गुलशन कुमार, बीएम दिनकर कुमार, कुंदन कुमार, रोहित रंजन के मौजूदगी में पुलिस और आम जरूरतमंद लोगों के बीच 500 से अधिक मास्क का वितरण किया गया है। यहाँ वहाँ मत हम आपको बता दें कि खाद्य सामग्री का वितरण कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पटना में 26 मार्च से अभी तक प्रत्येक दिन करीब 4000 लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और पहुंचाने के क्रम में कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस से फेस मास्क की आवश्यकता जताई गई थी, जिसके बाद कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक दिन करीब 5000 फेस मास्क का निर्माण कर लोगों तक निःशुल्क रूप से पहुंचाया जाएगा। कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस संयोजक धीरज कुमार के द्वारा बताया गया कि मास्क का निर्माण 1 रुपए से भी कम लागत में की जा रही है। साथ ही मास्क की गुणवत्ता में विशेष ध्यान देते हुए मास्क में डबल फिल्टर के साथ मास्क को केमिकलाइज्ड किया जा रहा है, जिससे मास्क की गुणवत्ता में वृद्धि आई है। एनसीसी अलुमनाई बिहार झारखंड की मजबूत विंग कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस जो पिछले 26 तारीख से कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी जब से भारत में प्रवेश हुई है, तब से और संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, तब से भूख मिटाने के साथ साथ एक्स कैडेट कई दिनों से कार्य कर रही थी, और हमारे सामने जब हम लोग भोजन वितरण करते थे तो समस्याएं उत्पन्न होती थी कि उनके लिए मास्क मुहैया नहीं करा पाते थे। बहुत लोग गमछी तो कोई जैसे तैसे कपड़े डाल दिया करते थे, और मास्क क्योंकि मार्केट में काफी कीमत उसकी है तो लोग खरीदने में सक्षम नहीं थे। तो एक्स कैडेट ने आत्मचिंतन किया और इस पे कई एक्स कैडेट लड़के लड़कियां अपने घरों में मास्क बनाना शुरू किए, जो काफी महंगा पड़ता था, बनाने में भी काफी लागत महंगी होती थी। लेकिन आज नीरज कुमार, जो मिस्टर नीरज कुमार एक्स कैडेट हैं और कम्युनिटी पुलिस में इनकी बहुत दिनों से काफी सालों से कई योगदान रहे हैं, उनकी प्रयास से आज उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया है जो बहुत कम पैसों में, मतलब रुपए में भी नहीं, पैसों में मास्क तैयार हो जा रहा है। जो झोला आमतौर पे जो पॉलिथीन बंद होने के बाद जिस कपड़े की झोला आना शुरू हुई है मार्केट में, उसका मास्क बनाना इन्होंने तैयार किया है, और इसकी प्रोडक्शन पिछले 2 दिनों से हम लोग कर रहे हैं, और एक दिन में तकरीबन हम लोग 5000 से 10000 मास्क बना सकते हैं। किन्हीं किन्हीं का डबल फिल्टर करने का काम कर रहे हैं, तो कोई उनका ज्वाइंट का काम कर रहे हैं, कोई उनकी गुणवत्ता देने का काम कर रहे हैं, और ये केमिकलाइज्ड कर रहे हैं, जिसमें कई एलोवेरा और फर्स्ट सेविंग जो होता है आफ्टर सेविंग क्रीम से वो उसको मेडिकेट भी कर रहे हैं, ताकि ये संपूर्ण रूप से इसकी गुणवत्ता में कोई शक ना की जाए। मुजफ्फरपुर नाउ की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें हमारे फेसबुक के पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब के भी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप मुजफ्फरपुर और आसपास की सभी खबरों से अवगत रहना चाहते हैं तो आप गूगल के प्ले स्टोर से हमारे मुजफ्फरपुर नाउ के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर नाउ। धन्यवाद।